हाय एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूएन कुमार मैथ्स लवर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का टॉपिक है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन शॉर्टकट ट्रिक्स पैटर्न 3। इससे पहले आप लोगों को हम दो पैटर्न बता चुके हैं इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का, और अभी बहुत सारा पैटर्न आएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग पैटर्न 3 के कुछ टाइप्स को देखते हैं। पैटर्न 3 में सबसे पहले हम लेते हैं ये टाइप, कॉस एम एक्स एंड कॉस एन एक्स डी एक्स। ये जो आपको टाइप है, यह आपको मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है, उसी का ये अलग पैटर्न है। ठीक है, तो इसको हम मेथड से चाहें, ट्रांसफॉर्मेशन के मेथड से इसको फॉर्मूला में हम ब्रेक कर सकते हैं, और फिर उसी फॉर्मूला को एज ए रिजल्ट हम शॉर्टकट ट्रिक के लिए यूज करेंगे। इसका डायरेक्ट रिजल्ट आपको हो जाना है क्या, सो देखिए, 1/2 एंड साइन एम प्लस एन एक्स, ये हो गया डिवाइडेड एम प्लस एन, एंड प्लस साइन एम माइनस एन, एम माइनस एन एक्स डिवाइडेड एम माइनस एन, एंड लास्ट में आपको सी दे देना है। ये आपको ट्रिक हो गया। अगर आपको इस पे क्वेश्चन पूछे, चलिए क्वेश्चन से पहले हम ये जान लें ये फॉर्मूला आया कैसे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड एंड 2 से मल्टीप्लाई इसको कर देते हैं। ये देख रहे हैं आप, ठीक है, डीएक्स। अब आपको मालूम है कि 2 कॉस ए कॉस बी है, 2 cos a cos b का आप फॉर्मूला जानते हैं, cos a प्लस बी, तो m प्लस एन एक्स हो गया, अब प्लस cos a माइनस बी, सो m माइनस एन एक्स हो गया। इस तरह से 2 cos a cos b का फॉर्मूला हो गया ये dx। अब आपको मालूम है कि cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin होता है, तो ये लिखा जाएगा sin m प्लस एन एक्स, लेकिन जो एक्स के साथ है उससे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, सो एम प्लस एन हो गया, एंड यहां पे कॉस एम माइनस एन का इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे हम, साइन, साइन एम माइनस एन एक्स डिवाइडेड एम माइनस एन, और इस तरह से ये प्लस सी लास्ट में लिखा गया। अब ये आपके लिए एक फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूला पर आपको प्रॉब्लम जब दे दे तो डायरेक्ट आप अप्लाई करके आंसर लिख सकते हैं। एग्जांपल देखिए कैसे ऐसा कर सकते हैं आप। देखिए इसको आसानी से आप लिख सकते हैं क्या है। मान लीजिए अगर आपको क्वेश्चन लेके दे दिया कॉस 8x इंटू कॉस 6x, कॉस 8x इंटू कॉस 6x डीएक्स, ऐसा प्रॉब्लम है, तो आप सीधे सीधे जवाब लिखिए साइन, और दोनों को ऐड कर दीजिए 14x, इसका ट्वाइस आप यहां लिख दीजिए 28, प्लस एक बार अब इसमें घटा दीजिए साइन एंड 2x लिखा गया, एंड जितना यहां है उसका यहां डबल लिख दीजिए, एंड प्लस सी, आंसर हो गया, बन गया क्वेश्चन। ठीक है, ठीक उसी तरह नेक्स्ट प्रॉब्लम अगर आपको दे देता है कॉस 4x इंटू कॉस 6x एन डी एक्स, तो आप जो बड़ा एंगल है उसको पहले रख लीजिए, इसको बाद में रख लीजिए, फिर रिजल्ट आपको ऐसे ही लिखाएगा। क्या लिखा जाएगा देखिए, गौर कीजिए, यहां ये हो जाएगा आपको, दोनों को आपको बोले ऐड कर देना, तो साइन 10x एंड नीचे इसका डबल 20, प्लस फिर दोनों को माइनस कर दीजिए, तो साइन 6x से 4x, तो 2x डिवाइडेड 4 प्लस सी, जवाब हो गया। बड़ी आसानी से ये सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है ना, कोई टफ काम इसमें नहीं है, बहुत आसानी से ये फॉर्मूला आपको लिखा जा रहा है, और सारे क्वेश्चंस का जवाब आप इस तरीके से दे सकते हैं। अब इस पर आधारित अगर आपको हम प्रॉब्लम दे देंगे, बाद में दे देंगे, पहले एक टाइप को हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है ना, पैटर्न 3 में। अब इसी में अगर आपको ऐसा दे दे, देख लीजिए, ये दोनों ही आपको यहां पे, दोनों रिजल्ट इसमें अब आपको
कॉस की जगह पे साइन लिख दे इस तरह से, साइन एम एक्स एंड साइन एन एक्स डी एक्स, तो फिर आप टू से डिवाइड कर दीजिए और ये लिखिएगा आप क्या, ट्वाइस ऑफ साइन एम एक्स इंटू साइन एन एक्स डी एक्स। अब यहां वन बाय टू, आपको मालूम है टू साइन ए साइन बी है, इसका फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी, ठीक है ना, कॉस ए माइनस बी, तो कॉस एम माइनस एन एक्स अब माइनस कॉस ए प्लस बी, ठीक है, तो एम प्लस एन ये एक्स हो गया और फिर यहां ए डी एक्स। अब ये वन बाय टू हो गया, अब इसका इंटीग्रेशन आप जानते हैं साइन एम माइनस एन एक्स, और नीचे ये एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई है उससे आपको डिवाइड भी करना है, तो ये एम माइनस एन हो गया, फिर माइनस साइन एम प्लस एन, एम प्लस एन यहां एक्स है, जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई है उससे आपको डिवाइड भी करना है और उसके बाद प्लस सी। तो देखिए यह रिजल्ट अब आपके पास आ गया, रिजल्ट बहुत आसान है, प्रूफ कर दिए हम। अब यही रिजल्ट हमारे लिए फॉर्मूला की तरह काम करेगा। सिंपल वे में देख रहे हैं कि साइन, उसमें भी साइन होता था, फर्क क्या था कि जब हम वहां पर एड, बीच में तो एड था लेकिन प्लस वाला पहले था और माइनस वाला बाद में था, प्लस पहले माइनस बाद में, ठीक है ना। तो अब यहां पर क्वेश्चन अगर दे दे तो हम लोग कैसे बनाएंगे, हमेशा कोशिश करिएगा जो बड़ा एंगल है उसको पहले रख लें, जो छोटा एंगल है उसको बाद में रख लें, ये थोड़ा ऑलवेज कोशिश कीजिएगा जिससे आपको सुविधा हो। मान लीजिए अगर अब हमको प्रॉब्लम कहीं पे दे दे, ठीक है, प्रॉब्लम दे दे हमको इस तरह का, है ना, इस तरह का प्रॉब्लम दे दे यहां पर, मान लीजिए आपको क्वेश्चन यहां दे दिया इस तरह से, कॉस सॉरी साइन 7x इंटू साइन 5x dx। अब इसका जवाब आपको देना है, तो सबसे पहले देख रहे हैं माइनस है तो सीधे आप लिख दिए साइन 2x, और जितना यहां है इसका डबल 2 हो गया यहां 4, एंड माइनस दोनों को ऐड कर दीजिए तो साइन 12x हो गया, एंड दोनों का ट्वाइस, 12 का ट्वाइस 24, एंड प्लस सी। अब ये जवाब मिल चुका है आपको, देख रहे हैं कितना फास्ट आंसर लिखा जा रहा है, सिर्फ जोड़ घटाओ का काम हो रहा है, एडिशन सब्ट्रैक्शन का काम हो रहा है, कुछ भी इसमें टफ नहीं है, ठीक है ना। अब उसी तरह से मान लीजिए यहां आपको क्वेश्चन दे दिया साइन 8x, साइन 8x इंटू साइन 12x dx ऐसे दे दिया, तो आप इसमें कैपिटल वाले को m यूज करिए और छोटे वाले को n यूज करिए ऑलवेज, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या रूल पढ़े हैं आप, पहले माइनस करना है साइन वाले में, पहले माइनस करना है, तो साइन 12 में से 8 घट गया 4x और उसका डबल 8, एंड फिर माइनस दोनों को ऐड करना है साइन 20x एंड 20 का डबल 40 एंड प्लस सी, जवाब हो गया, है ना। तो अब हमको लगता है कि ऐसा क्वेश्चन आपको जब भी दिया जाएगा तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं, देखिए ये आपको टाइप 2 में, हम इसी पैटर्न 3 में दो दो टाइप आपको बता चुके हैं अभी तक। अब इस पर आपको हम प्रॉब्लम दे रहे हैं, ठीक है ना। प्रॉब्लम देखिए, क्वेश्चन है आपके पास कॉस 6x इंटू कॉस यहां पर 7x, ठीक है ना, dx। फिर आपके पास सेकेंड क्वेश्चन है कॉस 9x इंटू कॉस 4x dx, ये दे दिया, एंड 3 नंबर आपको दे दिया साइन 8x इंटू साइन 7x dx, एंड 4 नंबर प्रॉब्लम है आपके पास साइन 5x इंटू साइन 7x dx, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 5th नंबर है आपके पास साइन, ठीक है ना, 7x इंटू साइन यहां पर आपको दे दिया
14x dx। अब ये पांचों क्वेश्चन आपके पास है, इस पांचों क्वेश्चन का जवाब आप बहुत फास्टली दे सकते हैं और सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। जिनका आंसर सभी सही होगा उसको हम ऊपर जो है सो पिन कर देंगे या फिर उसके नाम का हम जिक्र करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसके सारे प्रॉब्लम का जवाब धनाधन कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने साथियों के साथ इसे शेयर करें। और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद के साथ आपको जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।